अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एवियल रोटेशन सीखी थी, लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन। अब हम सीखेंगे थर्ड टाइप जो कि लेफ्ट राइट रोटेशन एंड देन फोर्थ टाइप जो कि राइट लेफ्ट रोटेशन है। तो मैं आपको बता ये रही थी कि स्टार्टिंग की जो दो आपकी टाइप्स हैं, जो काइंड हैं आपकी, जो स्टार्टिंग की दो काइंड्स हैं लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन, ये दोनों सिंगल रोटेशन कहलाती हैं। जबकि आपकी जो थ्री है लेफ्ट राइट रोटेशन और राइट लेफ्ट रोटेशन, ये आपकी डबल रोटेशन कहलाती हैं। ठीक है, थीके? तो हम देखते हैं थर्ड वाली लेफ्ट राइट रोटेशन। लेफ्ट राइट रोटेशन को हम डबल रोटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट रोटेशन में आपकी ट्री का शेप ऐसा होता है और इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लेफ्ट राइट रोटेशन को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है किस में, राइट रोटेशन में। ठीक है, तो आपने इस ट्री को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, राइट रोटेशन में। तो देखते हैं हम किस तरीके से इस ट्री को कन्वर्ट कर सकते हैं राइट रोटेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि ट्री बैलेंस नहीं है, डेट्स व्हाई हम उसको बैलेंस कर रहे हैं, और यहाँ पे अकर हो रहा है क्या, लेफ्ट राइट रोटेशन। तो मैंने चेक किया बी पर, बी का ना लेफ्ट पार्ट है ना बी का राइट पार्ट है, तो लेफ्ट हाइट ऑफ द सब ट्री एंड राइट हाइट ऑफ द सब ट्री क्या है, नल। तो डेट्स मीन जीरो माइनस जीरो इक्वल है जीरो के। ए नोट को चेक करते हैं, ए के लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, बट ए के राइट पे क्या है, एक हाइट है बैलेंस ट्री। ठीक है, एक मतलब एक ट्री है, एक नोड है। तो ए के लेफ्ट पार्ट पे कुछ भी नहीं है, बट ए के राइट पार्ट पे एक नोड है, एक लेवल है। डेट्स मीन वन जीरो माइनस वन, तो क्या बना, माइनस वन। तो जीरो माइनस वन आपके ये क्या है, बैलेंस है। अगर जीरो माइनस वन वन के अलावा कोई वैल्यू आती तो डेट्स मीन आपकी ट्री क्या है, इम्बैलेंस है। फिलहाल बी नोड भी आपका बैलेंस है और आपका ए नोड भी बैलेंस है। अब आपने सी चेक किया, सी के राइट पे दो हाइट है, मतलब दो लेवल्स हैं, पहला लेवल दूसरा लेवल। तो टू माइनस, जबकि सी के राइट पे कुछ भी नहीं है, तो टू माइनस जीरो टू। तो डेट्स मीन आपकी जो ट्री है ये क्या है, इम्बैलेंस है, इम्परफेक्ट है। तो आपने क्या करना है, उसको बैलेंस करना है। तो जब भी आपकी ट्री की शेप ऐसी आ जाए आफ्टर इंसर्शन ऑफ एनी नोड, तो आप समझ जाएं कि ये आपकी कौन सी रोटेशन अप्लाई हो रही है, आपकी लेफ्ट राइट रोटेशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आपने इसको बैलेंस किस तरीके से करना है, लेफ्ट राइट रोटेशन का मतलब है आपको इसको कन्वर्ट करना होगा राइट रोटेशन में। जब ये राइट रोटेशन में आपकी ट्री मूव हो जाएगी तो फिर आप इजिली इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो लेफ्ट राइट को हम कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले राइट में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे राइट में, ये यहाँ चला जाएगा और ये कहाँ जाएगा आपका, नीचे। तो देखिएगा इस चीज़ को, इसका मतलब है आपकी ट्री कुछ ऐसी हो गई, सी ऊपर ही रहा, ए आप बी आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है, और ए आपका कहाँ आ गया है, यहाँ पर। तो देखें ये यहाँ पे जीरो आपका बैलेंसिंग फैक्टर आया, यहाँ पे वन बैलेंसिंग फैक्टर आया। क्यों आया, क्योंकि जीरो वन माइनस जीरो वन, बात समझ आ रही है, लेफ्ट पे क्या है वन, राइट पे क्या है जीरो, वन माइनस जीरो वन, और यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, टू माइनस जीरो टू। तो देखें ये ट्री की शेप आपकी कैसी हो गई, ऐसी हो गई, ठीक है, इस टाइप। और इस टाइप की रोटेशन मतलब कौन सी रोटेशन हो गई, राइट रोटेशन। तो देखें आपकी ट्री की शेप इस तरीके की हो गई। तो मैंने आपसे यही कहा जब लेफ्ट राइट रोटेशन आ जाए तो डेट्स मीन आपको डबल रोटेशन अप्लाई करनी है, आपने ट्री को कन्वर्ट करना है राइट रोटेशन में। अब जब ट्री राइट रोटेशन में कन्वर्ट हो गई तो अब वेरी सिंपल, अब आपने क्या कर देना है, ट्री को आपने क्या कर देना है, उसको नीचे ले आना है। ठीक है, राइट रोटेशन में आप यही करते हैं ना, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसको नीचे जब ले आएंगे तो आपकी ट्री कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी सी, ठीक है, सॉरी ये आपका आ गया बी, इधर आ गया आपका क्या सी, आपका नीचे आ गया है, देन ये आपका आ गया ए। तो देखें आपकी ट्री इस शेप में थी जब आपने रोटेशन अप्लाई करी, लेफ्ट राइट रोटेशन आपने अप्लाई करी, तो आपकी ट्री कैसी हो गई, इस शेप में आ गई। और इस शेप का मतलब है अब आपकी ट्री क्या हो गई, बैलेंस हो गई। बैलेंसिंग फैक्टर फिर चेक कर लेते हैं, जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है, मतलब उसके लेफ्ट पे भी कुछ नहीं है, राइट पे भी कुछ नहीं है। बी को चेक कर लेते हैं, बी के लेफ्ट पे क्या है, एक ही लेवल है, बी के राइट पे भी क्या है, एक ही लेवल है, दैट्स मीन वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये हमारा थर्ड केस था ट्री को बैलेंस करने का, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, जिसका नाम है लेफ्ट राइट रोटेशन। अब हम फोर्थ केस डिस्कस कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं ये हमारा फोर्थ केस है, अगर आपकी ट्री की शेप ऐसी हो जाए, ठीक है, लास्ट टाइम कैसी शेप हुई थी आपकी, ऐसी थी, तो हमने कहा यहाँ पे लेफ्ट राइट रोटेशन परफॉर्म होगी और आपका ट्री राइट रोटेशन में कन्वर्ट होगा। जब आपका ट्री राइट में कन्वर्ट होगा तो आप इसको अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, फिर बैलेंस इजिली क्या कर लेंगे, बैलेंस। अब आपका फोर्थ केस क्या है, राइट लेफ्ट रोटेशन। तो इसमें क्या करना है आपको, ये भी आपकी क्या है, डबल रोटेशन है, इसको भी आपने कन्वर्ट करना होगा किस में, लेफ्ट में। अगर लेफ्ट राइट होता तो राइट में कन्वर्ट करते, राइट लेफ्ट है तो आपने किस में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट में। सिंपल सा इसका एक स्ट्रेटजी है। ठीक है भाई, तो हम चेक कर लेते हैं, सबसे पहले इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, इसका बैलेंसिंग फैक्टर जीरो है, इसका वन है, इसका टू है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। इसका मतलब है ना लेफ्ट पे कुछ है ना राइट पे कुछ है, तो जीरो। इसका मतलब है सी का
राइट लेफ्ट पे 1 है, राइट पे 0, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है तो 0 माइनस राइट पे क्या है आपकी दो हाइट्स हैं, ठीक है, कितनी हाइट है दो, तो 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो डेट्स वाई यहाँ पे 2 है, और डेट्स वाई ये आपकी ट्री क्या है इम्बैलेंस है, क्योंकि आपका क्रिटिकल नोड ए क्या हो रहा है इम्बैलेंस हो रहा है। अगर आपकी ट्री की शेप आफ्टर इंसर्शन एनी एलिमेंट ऐसी हो जाए तो आपने उसको कन्वर्ट करना होगा किस में, लेफ्ट रोटेशन में, और आपको पता है लेफ्ट रोटेशन की शेप क्या है ऐसी, ठीक है। तो लेफ्ट रोटेशन में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इसको इसको यहाँ मूव कर देंगे और आपका ये कहाँ मूव हो जाएगा नीचे, तो यू कैन सी हेयर व्हाट आई एम डूइंग नाउ, ये आ गया ए आपका, बी आपका इस तरफ आ गया, देन दिस इज योर सी, ठीक है। तो आपका ये राइट लेफ्ट रोटेशन जो आपकी शेप थी अब वो कन्वर्ट हो गई है लेफ्ट रोटेशन में, ठीक है। अब आप इजिली यहाँ पे क्या परफॉर्म कर सकते हैं, लेफ्ट रोटेशन, तो अभी भी देखें बैलेंसिंग फैक्टर मैं यहाँ लिख रही हूँ 0, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे क्या है 2। यहाँ मैंने 2 क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, तो 0 माइनस 2 आपका 2 ही बनेगा, दिस इज योर क्रिटिकल नोड। आपको पता है राइट राइट पे हम कैसे करते हैं, हम सॉरी दिस इज योर लेफ्ट, लेफ्ट पे हम कैसे करते हैं, इस पे हम नोड को इस तरफ रोटेट कर देते हैं, तो मैं क्या करती हूँ इसको भी मैंने इस तरफ जब रोटेट कर दिया तो आपका ट्री फाइलन फाइनल बैलेंस हो गया, ए आपका कहाँ आ गया नीचे और बी आपका बन गया पैरेंट नोड, तो ये फाइनली आपकी ट्री क्या हो गई बैलेंस हो गई, ठीक है। 0 बैलेंस फैक्टर 0 और यहाँ पे है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो सिंपल सी बात है, जब आपकी शेप ऐसी है तो आपने ऐसे बनाना है, जब आपकी शेप ऐसी है तो आपने ऐसे रोटेट करना है, ठीक है। फोर्थ क्या थी हमारी, थर्ड क्या थी हमारी, जब लेफ्ट राइट रोटेशन, इसका मतलब है आपकी आपकी ट्री क्या है लेफ्ट राइट रोटेशन की पोजीशन में है तो आपने उसको राइट पे कन्वर्ट करना है, जब राइट पे कन्वर्ट हो जाए तो आपने उसको इजिली रोटेट कर देना है, ठीक है। फोर्थ में क्या है, ये आपकी राइट लेफ्ट रोटेशन की कंडीशन है, अगर आपकी ट्री की शेप ऐसी है तो आपने उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है, देन आपने उसको इस तरीके से क्या कर देना है रोटेट कर देना है। तो ये हमने फोर काइंड्स के एवियल ट्री की रोटेशन के स्टेप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, काइंड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल टीच यू हाउ टू इंसर्ट डेटा इन एम्प्टी ट्री।